होता ये है कि हम अभी एक सीन किया जिसमें हम बड़के पापा को थोड़ा डरा चुके हैं, और मैं और मंजीमा, तो हम बात कर रहे होते कि कैसे वो डर गए थे, और मंजीमा बोलती हाँ हमें इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए। बट इतने में बड़के पापा हमारे कमरे में आ जाते हैं और हमें देख लेते हैं, एंड वी आर शॉक्ड कि ओके अब हमारी पोल खुल गई। बट मैं एक्ट करती हूँ कि मंजीमा को दिखाने को कि आप हमारी बातों पर यकीन क्यों नहीं करी कि बड़के पापा ने हमें मारा है। तो मंजीमा समझ जाती कि मैं एक्ट कर रही हूँ, तो वो भी एक्ट करती कि नहीं मैं यकीन नहीं कर सकती कि बड़के पापा ऐसा कर सकते हैं ये वो बड़के पापा की साइड हो जाती है और मुझे थप्पड़ मारती हैं और मुझे बोलती कि जिन्होंने तुम्हारी शादी युग से करवाई वो ऐसा कैसे कर सकते हैं ये वो, ताकि बड़के पापा को ये लगे कि मंजीमा उनकी साइड है बट एक्चुअली वो मेरी साइड है। और फिर मैं बेहोश होने का नाटक करती हूँ और गिर जाती हूँ। वो मंजीमा के सामने एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली वो उनको दिखाएंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, और वो बहुत ही मतलब डरे हुए भी हैं अंदर ही अंदर, बट बात को संभाल भी रहे हैं कि थैंक गॉड कि तुमने मुझ पर भरोसा किया, ये क्या बोल रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो उनके सामने एक्सेप्ट नहीं करते, बट ऑफकोर्स बड़के पापा ने मुझे पहाड़ से गिराया है। तो वो तो मेरा खात्मा हो जाएगा। लेकिन वही तो प्रॉब्लम है, वही तो केस चल रहा है कि उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं और मंजीमा ऐसे पीछे से प्लान और प्लॉट कर रहे हैं जैसे उन्होंने किया था।